स्थापित किया है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया मालेगांव विस्फोट प्रकरण का जी, तो वो एक आरोप लगाया कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, परंतु पूरे मुस्लिम वर्ग में हमें एक तरह से दुश्मन मान लिया है और उन्होंने हमें टारगेट किया और बार 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 निरंतर हमारे पास फोन आते रहते हैं, धमकी भरे फोन आते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमें पत्र में भी उन्होंने विस्फोटक सामग्री भेजी थी जी। और एक बार ऐसा हुआ, एक फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें धमकी भरे फोन भेज करके उसमें हमें माननीय मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को सबको क्रॉस कर दिया था और पिस्टल छाप दी थी, संकेत दिया था कि हम तुम्हें मार देंगे और पत्र भी भेजे थे। तो उसमें सब में मैंने कार्यवाही की है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तब उन्होंने जो गंदी फिल्म हमें दिखा करके और प्रकरण जिस प्रकार से लोगों को, समाज को जो शोषित कर रहे थे, तो उसमें मेरे पास भी जब इस प्रकार से आया तो मैंने उसकी कंप्लेंट की। लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, मुझे लगता इसका डर से काम नहीं चलता है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रह करके और उनका सामना करना चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए, परास्त करना चाहिए और कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत दंड दिलवाना चाहिए। और आज भी जो प्रकरण हुआ है, तो निरंतर मुझे धमकी भरे फोन देश और विदेशों से आ रहे हैं, हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र और पता नहीं कहां कहां से, और कई देशों से, विदेशों में भी कई देशों से फोन आते रहे, धमकी भरे फोन, और इतना ज्यादा आती कर दी कि हमारे फोन पे हम अपनी कार्यवाही, हमारी मीटिंग सब कुछ बाधा देती है वो फोन तो, और दिन रात फोन आते हैं, मैं वो फोन बंद भी नहीं कर सकती। क्या लगता है साथी, मुझे ऐसा लगती है, नहीं डरेगी? सुनिए, तो ये जो हुआ मैंने इसके विरुद्ध भी कंप्लेंट की है और आज मैंने उसमें केस मजबूत किया है, हमने उसमें बयान दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, और ये मैं तब तक करती रहूंगी जब तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ जाएगा कि यहाँ भारत का कानून जो है ना संविधान के अनुसार चलता है और हम संविधान को मानने वाले लोग तुम्हें कानून के अंतर्गत ही परास्त करेंगे और कानून के अंतर्गत तुम्हें सजा दिलवाएंगे। ठीक दीदी, पर्टिकुलर एक ही वर्ग का प्रश्न लगातार, पर्टिकुलर एक ही वर्ग के लोग लगातार प्रश्न? हाँ, मुस्लिम वर्ग के बिल्कुल क्लियर है, मुस्लिम वर्ग के लोग मुझे धमकियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तमाम प्रकार की गंदी भाषाओं का, गंदी भाषा का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कायर